हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रदीप चावड़ा और एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं हम हमारे चैनल चावड़ा इंग्लिश एंड स्किल्स में। और आज का जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और वीडियो है रिलेशंस पर। एज यू नो, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं उस सोसाइटी में जो हमारे संबंध होते हैं, रिलेशंस होते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और किस रिलेशंस को हम किस वर्ड से हम जानते हैं, आइए हम देखते हैं। सबसे पहले आज हम देखते हैं ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड मदर, दादा या फिर नाना, दादी या फिर नानी, इनके लिए जोड़ी वाला जो वर्ड यूज करते हैं वो करते हैं ग्रैंड पेरेंट्स। नेक्स्ट, फादर एंड मदर के लिए हम वर्ड यूज करते हैं पेरेंट्स। हस्बैंड एंड वाइफ के लिए हम वर्ड यूज करते हैं स्पाउस। और ब्रदर एंड सिस्टर के लिए वर्ड यूज करते हैं सिबलिंग। सगे भाई बहन के लिए वर्ड यूज होता है सिबलिंग। और हस्बैंड और वाइफ, पति और पत्नी के लिए स्पाउस। ग्रैंड सन एंड ग्रैंड डॉटर के लिए ग्रैंड। चाइल्ड, नेक्स्ट अंकल चाइल्ड या फिर आंट्स चाइल्ड, इट मीन्स अंकल से यहां पर मामा, फूफा, मौसा, ताऊ, इनके बच्चे मीन्स बालक या बालिका। या आंट से यहां पर भुआ, मौसी, मामी, ताई, इनके बालक या बालिका को हम एक ही वर्ड में हम बोलते हैं कजन। सन एंड डॉटर के लिए वर्ड यूज होता है चाइल्ड। नेक्स्ट, इससे आगे देखते हैं ग्रैंडफादर। अब ग्रैंडफादर के आगे हम यदि ग्रेट लगा देते हैं तो यहां पर नाना या दादा के पिताजी, तो हम एक वर्ड लगा देते हैं ग्रेट। और एक और वर्ड लगा देते हैं ग्रेट के आगे ग्रेट, तो ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर मीन नाना के भी नाना या फिर दादा के भी दादा। और यहां पर भी लगा देते हैं ग्रेट और यहां बनता है ग्रेट ग्रैंड मदर मीन्स नानी की या फिर दादी की माँ। और एक और ग्रेट लगा देंगे तो ग्रेट ग्रेट ग्रैंड मदर, नानी की भी नानी या फिर दादी की भी दादी। आप ये वर्ड अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। नेक्स्ट, यहां पर फादर और यहां है ये मदर। फादर के जो भाई मीन्स ब्रदर और सिस्टर, ब्रदर एंड सिस्टर को यहां पर बोलते हैं हम अंकल। और सिस्टर मीन्स हमारी हुई भुआ, तो भुआ के लिए हम यूज करते हैं आंट या फिर आंटी। और यहां पर मदर, मदर के जो ब्रदर और सिस्टर हमारी हुई यहां पर मामा और मौसी, इनके लिए वर्ड यूज करते हैं, इनके लिए भी अंकल और यहां आंटी। और यहां पर इनके सन एंड डॉटर, सन एंड डॉटर, सन एंड
इन सभी के लिए हम इनके जो बालक और बालिका होते हैं मीन्स वो हमारे होते हैं चचेरे भाई और बहन, तो इन्हें हम बोलते हैं चचेरे या मौसेरे या मामा के या ताई के या ताऊ के, तो इन्हें हम बोलेंगे एक ही वर्ड में कजन। नेक्स्ट यहां पर अंकल, अंकल से यहां पर ताऊ, मामा, फूफा और मौसा, और यहां आंट, चाची, मौसी, मामी और बुआ। फूफा और मामा के लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं। आइए नेक्स्ट, यहां ब्रदर हमारा और यहां पर सिस्टर बी और यहां एस, तो यहां पर ब्रदर के जो बच्चे होते हैं सन एंड डाटा, सन एंड डाटा ये हमारे ब्रदर के जो बच्चे होते हैं वो भतीजा या भतीजी, और बहन के जो बच्चे होते हैं वो होता है भांजा या फिर भांजी। इनके लिए हम वर्ड यूज करते हैं नेफ्यू, नेफ्यू और नीस। सेम वर्ड हम भांजे के लिए भी वही यूज करते हैं नेफ्यू, नेफ्यू और भांजी के लिए नीस। नेक्स्ट यहां पर जो वाइफ होती हैं, अब वाइफ के ब्रदर फादर देख रहे, फादर और मदर, फादर को हम बोलते हैं फादर मीन्स ससुर, तो फादर इन ला, और जो मदर होती है उन्हें बोलते हैं हम मदर इन ला, और इनके सन एंड डॉटर वो होते हैं हमारे ब्रदर इन ला एंड सिस्टर इन ला, साला और साली, क्या होते हैं साला और साली, ब्रदर इन और ब्रदर इन ला और सिस्टर इन ला। अब यहां पर ब्रदर इन ला को हम जीजा जी के लिए भी यूज करते हैं, ब्रदर इन ला यहां पर साला और यहां पर जीजा जी, और सिस्टर इन ला तो सिस्टर इन ला साली, या हम भाभी के लिए भी यूज करते हैं ननन और जेठानी, या के लिए हम यूज करते हैं सिस्टर इन ला। यहां सन इन ला, सन इन ला, सन इन ला दामाद हो जाता है और डॉटर इन ला हो जाती है बहू। नेक्स्ट हम देखते हैं रिलेशंस में जो सगे रिश्तेदार होते हैं उन्हें हम बोलते हैं किन, मंगेतर के लिए फियांसे, ये स्पेलिंग हम यूज करते हैं फीमेल मंगेतर के लिए और मेल मंगेतर के लिए,
ये वाली स्पेलिंग फियांसे एंड फियांसे ही बोलते हैं हम। नेक्स्ट स्टे बाय सोतेला, तो यहां पर स्टेप ब्रदर या फिर स्टेप सिस्टर, सोतेला भाई या फिर सोतेली बहन, स्टेप मदर स्टेप फादर, अडॉप्टेड अडॉप्टेड मीन दत्तक, गोद लिया हुआ, तो अडॉप्टेड सन का मतलब होता है दत्तक पुत्र, गोद लिया हुआ लड़का या फिर अडॉप्टेड डॉटर, गोद ली हुई लड़की, इनके लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं। और यहां पर हम वर्ड यूज करते हैं नॉमिनी, नॉमिनी मीन्स उत्तराधिकारी को हम बोलते हैं नॉमिनी। हमारे साथ जो काम करता है मीन्स सहकर्मी उसे बोलते हैं कलीग, कलीग कलीग मीन्स होता है सहकर्मी, क्लास मेट कक्षा का साथी, रूम मेट मीन्स होता है रूम का साथी, कॉलेज मेट मीन्स कॉलेज का साथी, स्कूल मेट मीन्स स्कूल का साथी। तो इस प्रकार के रिलेशंस हमें यूज करना पड़ते हैं। इसी प्रकार के वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को अभी तक भी यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच।